वेलकम बैक टू माई चैनल, आई एम बैक अगेन। सो मैं अभी बंदर जैसी लग रही होंगी, बट इट्स ओके, चलता है इतना कभी कभी। हाँ तो गाइज, कल मेरा एग्ज़ाम है, फर्स्ट एग्ज़ाम मेरे फोर्थ सेम का फर्स्ट एग्ज़ाम है। ओ माई गॉड, अब तक तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहे थे और असाइनमेंट वगैरह से काम चल जा रहा था, बट अब एग्ज़ाम देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, वहाँ पे सारा पता ही नहीं है क्या लिखने वाले हैं। बट लेट्स सी, आई विल कीप यू अपडेटेड। कल एग्ज़ाम है, अभी मैं शाम के टाइम व्लॉग बना रही हूँ, और हमारा जो बेड बन रहा था उसका काम अभी भी चल रहा है। सो उस रूम में अभी काम चल रहा है जहाँ पे बेड था, डबल बेड। अब मेरे रूम में सिंगल बेड था, अब यहाँ पे उस रूम का जो डबल बेड का एक सिंगल बेड था उसको यहाँ लगा दिया। आप अगर समझ रहे हो तो ठीक है। तो अभी यहाँ पे बहुत बड़ा सा बेड हो गया है मेरे छोटू से रूम में, तो अब सब लोग यहीं पे पड़े रहते हैं। और इस रूम में एसी भी नहीं है, एसी उसी रूम में है, क्योंकि और आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है, हम लोग को कूलर से काम चलाना पड़ रहा है। बट कूलर से भी दिन के टाइम कुछ नहीं होता है, दिन के टाइम बहुत ज़्यादा लू चलती है, तो कुछ दिन के लिए हमको गर्मी सहन करनी पड़ेगी। बेड का काम मतलब हो ही गया है, स्ट्रक्चर बन गया है, बाकी थोड़ा बहुत क्या बचा ही है काम, फिनिशिंग वगैरह में टाइम चला जाता है। हाँ तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी उस रूम में जाके। बट अब हम लोग चार के चार लोग पूरा दिन बस इसी रूम में पड़े रहते हैं। एक तो ओम की भी छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई है, एग्ज़ाम चल रहे, तो हम लोग भी घर पर ही हैं, तो बस पूरा दिन सब यहीं पर बैठे रहते हैं। ये बेड भी नीचे को चला गया, ख़त्म हो गया ये बेड भी। सो बाकी देखते हैं। एंड गाइस, एक और चीज़ हुई थी आज, आप यहाँ पे देख रहे हो, हमने एक टेडी का मुंडी लगा रखा है काट के, बिकॉज आज इसकी वजह से एक हादसा हुआ था। मतलब इस टेडी की वजह से नहीं, ये जो इस मंदिर का कोना है ना, उसकी वजह से एक हादसा हुआ था। हमारे बड़े भैया को ना यहाँ पर तो लग गई थी, और इतनी ज़ोर की लगी कि उसका खून आने लग गया सर के पीछे की साइड पर, और बहुत ज़्यादा खून आ रहा था। मुझे भी इस साइड से दो बार लग गई है, बट मेरे को ना, मैं थोड़ा पास थी इससे, तो मेरे को खाली ऐसा हल्का लगा, पर दर्द तो हुई थी। इनको लगा भैया प्रैंक कर रहे हैं, बट वो ना भैया शायद बहुत ज़ोर से पीछे को आया और उसको दर्द नहीं हुआ, और उसको ना थोड़ी देर बाद से गीला गीला सा लग रहा था यहाँ पे, और उसने ऐसा हाथ पे बोला खुशी ये देख, मुझे लिटरली लगा कि वो मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। फिर मैंने सोचा यार, ये तो इतनी देर से यहीं पे बैठा है, तो कहीं गया भी नहीं, तो मेरे साथ कहाँ से लेके आया ये। तो फिर मैंने देखा उसका सर पूरा पीछे से गीला हो रखा था, और मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था ये खून आ कहाँ से रहा है, मतलब आया कैसे। मम्मी उस रूम में थी, हम लोग बहुत पैनिक कर रहे थे। मैं तो गया फिर वहाँ भाग के, तेजी तेजी मम्मी फोन पे बात कर रही, मम्मी को पता ही नहीं। हम बोले मम्मी भैया का खून आ रहा, मम्मी आई नहीं थी थोड़ी देर तक। फिर मैं भैया को बाथरूम में ले गई, थोड़ा हमने सर पे पानी वगैरह डाला, और वो ब्लीडिंग रुक ही नहीं रही थी बहुत देर तक, बट फिर कॉटन से ना डिटॉल लगा के फ्रेश करा था, उसके बाद रुक गई थी ब्लीडिंग। मतलब उतना ज़्यादा गहरा नहीं कट हुआ था, बट उसके ना ब्लीडिंग ज़्यादा आ गई थी। एक और अपडेट, मम्मी आजकल रात में खाना नहीं खाती है। नहीं, मम्मी खाती नहीं, मतलब मम्मी शाम के टाइम खाना खा लेती है। तो भाई मेरा ना डोसा खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, मैंने मम्मी को बोला है तुम मेरे को डोसा खिला दो या पिज्ज़ा खिला दो, तो फिर डोसा डिसाइड हुआ है। बट फिर भैया ने बोला कि घर पे लाके ना वो सौगी सा हो जाता है डोसा, तो वहीं चल के खा लेते हैं। और हमारे घर के पास एक बहुत ही ज़्यादा मस्त जगह है डोसा की, स्वामी डोसा, और घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो हम लोग वहाँ जाके डोसा खाएंगे। अभी 8 बजने वाले थे, उधर में भैया सब्जी वब्जी लेने गए, वो वहाँ से वापस आएगा, तो हम लोग डोसा खाने जाएंगे। सो यप गाइस, इसके बाद हम थोड़ी पढ़ाई करेंगे। भैया आ गए, चल खुल गया। सो गाइस रुको, उधर में मिलते हैं, तैयार हो गए। ओके सो गाइस, आई एम रेडी। इस रूम में ना लाइटिंग थोड़ी कम सी है, तो कोई नहीं। एंड दिस इज द बेड जो कि बनना रहता है अभी, सो वी आर रेडी। सो गाइस, अभी मेरे को थोड़ी लाइट मिली है, तो मैं व्लॉग बना रही हूँ। हम लोग जा रहे हैं वहीं, सो अभी हम किसी पार्क में हैं, पार्क के थ्रू हम लोग उस साइड जा रहे हैं। मैं उल्टा चलूँ क्या दिखने के लिए? हाँ तो चलते हैं। और इतनी रात में मैं कभी
कभी भी डोसा खाने आएंगी। एक बार हम लोग आए थे तब इतनी रात नहीं हो रही थी, शाम हो रही थी। सो चलते हैं। तो यह है द्वारका का सेक्टर 6। हम लोग मेन रोड के उस साइड रहते हैं, मेन रोड के साइड द्वारका आ जाता है, तो ज़्यादा दूर नहीं है। मेन रोड क्रॉस करना है, थोड़ा सा चलना है एंड देन स्वामी डोसा आ जाएगा। तो अब हम लोग अंदर बैठे हैं बिकॉज बहुत बहुत गर्मी हो रही थी। सो गाइस नाउ वी आर गोइंग होम। हमने वहाँ पे नहीं यार वैसे हमने वहाँ पे 3 डोसा खाए एंड मेरा पेट नहीं भरा है अभी। ये ज़्यादा ओमू ने खाया। सो गाइस दिस इज द नेक्स्ट डे और आज मेरा एग्ज़ाम है। मेरी शक्ल देख के लग रहा है ना कितना, मतलब नींद पूरी नहीं हुई है। तो अभी 7 बजने वाले हैं और मैं एग्ज़ाम के लिए जा रही हूँ, घर से बाहर जा रही हूँ। आधे लोग अभी भी सोए हैं इस घर में। सो अब थोड़ी देर बाद मिलते हैं। घर पहुंच गई हूँ मैं अब और एग्ज़ाम भी हो गया। सही था एग्ज़ाम का, बुरा भी नहीं था। और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है आज, इतनी ज़्यादा गर्मी मेरा सर में दर्द हो गया है। मेरी गर्म हवा लग लग के ना सर दर्द हो रहा है। और मम्मी ने बनाया है झोली भात, हम इसको खाएंगे। हाय एवरीवन, दिस इज़ अगेन द नेक्स्ट डे। तो फिर कल मैंने उसके बाद कोई व्लॉग नहीं किया क्योंकि कुछ था नहीं दिखाने को। मेरे बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रही थी कल बहुत ज़्यादा, तो मैं कुछ व्लॉग नहीं कर पाई। एंड अभी 9 बज रहे हैं, आज संडे है, सब लोग घर पे ही है और आज पूर्णिमा भी है। सो मम्मी का फास्ट है आज एंड अभी हम लोग थोड़ा सफाई वफाई कर रहे हैं। मैंने अभी तक मुँह भी नहीं धोया है, सो इग्नोर दैट। हाँ तो सफाई वफाई चल रही है, जो घर की सारी मैट वगैरह है वो भी धुल रही हैं आज। तो भैया छत पे है, मैट धुलने के लिए गया है, मैं नीचे का काम करती हूँ एंड फिर हम लोग करेंगे नाश्ता। और आज नाश्ते में है कुछ, सो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। इस वीडियो को भी मैं आज अपलोड कर दूँगी संडे को शाम तक, तो देखती हूँ। इस वीडियो को अभी हम लोग थोड़ी देर बाद एंड करेंगे ब्रेकफास्ट के बाद, देन आई विल एडिट दिस और फिर उसको अपलोड करेंगे और फिर आप लोग इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। Bye.